चलो ठीक। तो एम्पियर्स सर्कुलर लॉ में हमने ये सीखा कि अगर आपके पास कोई आई करंट है किसी भी वायर में, और उस वायर के आसपास अगर आप एक क्लोज्ड पाथ बनाते हो, कोई भी आर्बिट्ररी या सर्कुलर कैसे भी बनाते हो, तो उस क्लोज्ड पाथ के अबाउट, ये इमेजिनरी है प्लीज़, बी और डी एल, अगर आप इंटीग्रेशन निकालते हो बी डॉट डी एल, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट उस क्लोज्ड पाथ में से पास हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ था। फिर हमने क्या किया, इसका प्रूफ किया दो तरीके से। इसकी कितनी एप्लीकेशन थी, पाँच, राइट, पाँच एप्लीकेशन थी। हमने कितनी की, दो। कौन कौन सी? पहली एप्लीकेशन थी इनफाइनाइट वायर की वजह से आर डिस्टेंस दूर बी की वैल्यू क्या होगी, ये हमने सॉल्व किया। और दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने किया कि अगर एक जो है थिक वायर है, उस थिक वायर के एक्सिस पे या अंदर या बाहर कहीं पर भी बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये मेरा क्वेश्चन था, राइट। असाइनमेंट मिल गई आपको, ठीक है। तो इस केस में दो असाइनमेंट्स मिली अभी आपको, एक, ठीक। तो आज हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे। एम्पियर सर्कुलर लॉ की रादर फर्स्ट एप्लीकेशन करेंगे, सोलेनोइड की एप्लीकेशन है। आप ओपन कर सकते हो, पेज नंबर शायद 99 गिवन है, सोलेनोइड, ठीक, पेज नंबर 99। तो एप्लीकेशन नंबर वन, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर ऑन एक्सिस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड। देखो जब वो बोलता है कि मैंने कौन सा सोलेनोइड लिया, लॉन्ग सोलेनोइड लिया, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि इसकी जो लेंथ है वो क्या लेने को कह रहे हैं, इनफाइनाइट, बहुत बड़ा सोलेनोइड है, लंबा सोलेनोइड है, ठीक है यहां तक। तो दो प्रूफ्स आएंगे, पहला केस जिसमें कि सोलेनोइड की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, लॉन्ग सोलेनोइड बोलते हैं, और दूसरा केस जिसमें सोलेनोइड की लेंथ फाइनाइट है, ठीक। और हम क्या निकालना चाहते हैं, उसके एक्सिस पर बी की वैल्यू। लेकिन अब सोलेनोइड है क्या, पहले ये समझते हैं। सोलेनोइड बेसिकली एक करंट कैरिंग इस तरीके की वायर है जिसको सोलेनोइड बोलते हैं। तो मान लो इसके अंदर कितना करंट जा रहा है, आई, लूप्स की फॉर्म में जाता जा रहा है, तो इसको हम सोलेनोइड बोलते हैं। इसको आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का यही तरीका होता है, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स देंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक। तो आपने एक सोलेनोइड लिया, सोलेनोइड की कुछ खास बातें बता देता हूं। सोलेनोइड एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब हम वर्ड मैग्नेट बोलते हैं तो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो याद रखना, जिस एंड पर, सोलेनोइड के जिस एंड पर आपको करंट क्लॉकवाइज नजर आए वो साउथ की तरह एक्ट करता है, और जहां पर आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आए वो नॉर्थ की तरह काम करता है। जैसे ये एक सोलेनोइड है, मान लो इसमें वायर्स 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 एंड वायर्स, बहुत सारी वायर्स हैं। मान लो एक मिनट के लिए करंट इसमें मैंने पास किया, यहां से गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो करंट इसमें कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। मेरे एंड पर ये मुझे कैसे नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज। आपके एंड पर कैसे नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे यहां जो पोल होगा वो क्या ट्रीट किया जाएगा, साउथ, और आपके यहां क्या ट्रीट किया जाएगा, नॉर्थ। क्लियर? तो दो पोल तो डिफाइन करने ही है। ऐसा क्यों होता है, ये मैग्नेटिक डायपोल चैप्टर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये इसका रूल है। और सेकंड रूल बता देता हूं कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम बोलते थे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पर खत्म होती हैं, ये रूल है। मैग्नेट्स के रूल्स ये ऐसे हैं कि अगर ये नॉर्थ पोल है और अगर ये साउथ पोल है, तो मैग्नेट का रूल है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं एंड साउथ पे खत्म होती हैं। क्या रूल क्लियर है यहां तक? तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ तक हैं और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव तक है। कोई डाउट इसमें?
यहां तक क्लियर है? सोलेनोइड के अंदर सुन लो, सोलेनोइड के अंदर अगर ये सोलेनोइड है और मान लो इसमें कि आई करंट है, और मान लो एक मिनट के लिए ये पोल नॉर्थ पोल है और ये पोल साउथ पोल है, मान लो सोलेनोइड इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है, और मैंने अपने रूल लगाए और एक तरफ साउथ एक तरफ नॉर्थ कर दिया। क्लियर यहां तक? तो याद रखना इस केस में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब मैं ड्रॉ करूंगा तो रूल क्या है मैग्नेट का, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से कहां जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो यहां इमेजिन करना, और दूसरी चीज ये भी याद रखना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, वो एक जगह से स्टार्ट होके उसी जगह पर एंड नहीं होती। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कंसेंट्रिक सर्कल्स बन सकते हैं और वो कॉन्टिन्यूस हो सकती है। तो नॉर्थ से स्टार्ट होती है लाइन और साउथ में एंटर करती है, लेकिन कॉन्टिन्यूस होती है, घूम जाती है। तो सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव करती है फ्रॉम नॉर्थ से साउथ, और सोलेनोइड के अंदर मूव करती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, उल्टा होता है। तो सोलेनोइड के केस में कुछ इस तरीके की लाइंस आपको नजर आएंगी, बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। ये पॉइंट क्लियर है? तो जहां जहां आप ऐसा डायग्राम दिखोगे तो इस तरीके की लाइंस भी दिखेंगी, ऐसी बहुत सारी लाइंस बनाई जा सकती हैं, बट मैंने आपको रूल बता दिया कि ये रूल ये फॉलो करती है। तो पेज नंबर जो इसमें गिवन है 99 शायद, उसके लेफ्ट साइड पे एक डायग्राम भी बना हुआ है, वो डायग्राम लाइट नीचे वाली नॉर्थ से जाएंगी साउथ, ओके राइट, तो नॉर्थ से साउथ जाएंगी कुछ इस तरीके से, राइट, ठीक है यहां तक। तो इस तरीके से इसकी मूवमेंट होगी। तो ये बेसिक रूल्स हैं जो अभी काम आने वाले हैं नहीं, वैसे बता रहा हूं, लेकिन कई बार यू नेवर नो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, पता नहीं कैसे लाइंस ड्रॉ करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही, तो आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि लाइंस ऐसे ड्रॉ की जाती हैं। अब हम शुरू करते हैं अपनी एप्लीकेशन नंबर वन। एप्लीकेशन नंबर वन के अंदर देखो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन नंबर वन के अंदर मुझे एक लॉन्ग सोलेनोइड गिवन होगा, एक बड़ा सोलेनोइड गिवन होगा, और मुझे उसके एक्सिस पर बी निकालना है। तो सपोज देयर इज अ लॉन्ग सोलेनोइड, ये मैं बना देता हूं एक लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट, बहुत लंबी लेंथ है इसकी, ये एक लॉन्ग सोलेनोइड है ऐसा जिसमें कि आई अमाउंट ऑफ करंट मूव कर रहा है, और मुझे क्या करना है इसके एक्सिस के ऊपर, ये रहा इसका एक्सिस, इसके एक्सिस के ऊपर क्या निकालना है, बी निकालना है। क्लियर यहां तक? और याद रखना ये जो सोलेनोइड है बहुत सारी रिंग्स से बना हुआ है, जैसे इसमें करंट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, तो चार फिंगर जो है हम अगर करंट के साथ घुमाएंगे तो भी इस तरफ है, अगला लूप में करंट ऐसे जा रहा है, चार फिंगर करंट के साथ घुमाएंगे भी इधर है, अगला लूप भी इस तरीके से है तो चार फिंगर घुमाएंगे, तो सारे बी इज अ वेक्टर क्वांटिटीज और सारे बी एड होते जाएंगे, तो एक्सिस के ऊपर जो बी निकलता है सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो कहीं और निकलेगा तो बी उतना स्ट्रांग नहीं निकलेगा, एक्सिस के ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू निकलती है, किसी भी रिंग के लिए रूल है, रिंग के एक्सिस पर और उसके सेंटर पर बी सबसे बड़ा होता है। तो मुझे यहां पर बी निकालना है इस एक्सिस पर, और बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ एक्चुअल में एक शॉर्टकट है, उसने आसान तरीके से हमें बी निकालना सिखाया, लेकिन जो असली तरीका है वो बाय सर्किट लॉ ही है। मैं आपको एक बार एम्पियर सर्किटल लॉ से करके दिखाऊंगा और दूसरी बार मैं बायट सर्विट लॉ से करके दिखाऊंगा, आप अपने आप डिफरेंस देखेंगे क्या डिफरेंस है। आपके जो जो डेरिवेशन है एनसीईआरटी में, वो बुकलेट में जो पेज नंबर 99 या 98 पे है, बस वही है, और लॉन्ग सोलेनोइड के लिए ही है, यानी कि इनफाइनाइट सोलेनोइड के लिए ही है। जो फाइनाइट है, जब लेंथ फाइनाइट है, वो सिर्फ कॉम्पिटिशन में आ सकती है, इसीलिए मैंने उसकी फोटोकॉपी अलग दी है, इस बुकलेट में मैंने नहीं डाला उसका प्रूफ, जान के नहीं डाला क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगी। तो सबसे पहले इनफाइनाइट के लिए करते हैं, हम क्या करेंगे कि हमें बी निकालना है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगेगा, एम्पियर सर्किटल लॉ हमें यह बताता है कि जहां बी निकाल रहे हैं वहां लो एक क्लोज्ड पाथ, वो क्लोज्ड पाथ अपनी कन्वीनियंस से ले सकते हो, सर्कल लो, रेक्टेंगल लो, कुछ भी ले सकते हो जिसमें आपको आसानी है। सबसे आसान इसमें जो क्लोज पाथ बनेगा वो रेक्टेंगल बनेगा, और क्लोज पाथ यहीं से स्टार्ट होगा क्योंकि जहां मुझे बी निकालना है, मुझे बी एक्सिस पे निकालना है, तो क्लोज पाथ एक्सिस में तो कम से कम पास होना ही चाहिए। तो ये मान लो मैंने क्लोज पाथ ले लिया, ये रहा, वैसे लेंथ तो मुझे पता ही नहीं सोलेनोइड की, मैंने आर्बिट्ररी कोई भी लेंथ ले ली, इसमें कितनी एल, रूल नंबर वन क्लियर,
ठीक क्लोज पाथ सर्कल भी हो सकता था, पर रेक्टेंगल ज्यादा इजी है। तो इस क्लोज पाथ में सपोज ये P, मान लो ये Q, मान लो ये R और मान लो ये क्लियर यहां तक, और बीच में से क्या है टर्न्स जा रहे हैं। पहला रूल क्लियर। B की बात करते हैं, B की डायरेक्शन या तो राइट होगी या लेफ्ट होगी एक्सिस पे। मैं मान लो राइट की तरफ ले लेता हूं। राइट या लेफ्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि है तो ये बेसिकली रिंग्स, बहुत सारी रिंग्स अपना मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा करके एक्सिस पे लगा रही हैं। और मान लेता हूं कि करंट हर लूप में बाहर की तरफ है, तो अगर मैं चार फिंगर्स बाहर की तरफ बनाता हूं तो थंब इधर, अगले लूप में चार फिंगर ऐसे घुमाऊंगा तो भी थंब इधर, अगले लूप में चार फिंगर घुमाऊंगा तो भी थंब इधर। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मेरा मेरा तो करंट ऑपोजिट है, तो हर लूप में ऑपोजिट है, तो फिर बी यहां ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता बी की वैल्यू में, बी दोनों केस में एग्जैक्टली सेम आएगा। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर आपने बी वेक्टर लिया, और यहां पर डीएल वेक्टर अगर लिया जाए तो सपोज करो साथ की साथ डीएल वेक्टर ले लेते हैं। इसमें डीएल वेक्टर यहां आएगा, इसमें डीएल वेक्टर यहां पर आएगा, इसमें डीएल वेक्टर यहां आएगा, और इसके अंदर डीएल वेक्टर नीचे आएगा। तो ऑब्वियसली जैसे जैसा रास्ता वैसा वैसा हमने स्मॉल एलिमेंट डीएल लिया। गुड आउट इसमें, ये भी पॉइंट क्लियर है। अब क्योंकि क्लोज्ड पाथ है, और क्लोज्ड पाथ का हमेशा हम क्या निकालते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डीएल। तो बी डॉट डीएल में पूरे क्लोज्ड पाथ का हम निकालते हैं बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर किसका किसका निकलेगा? बी डॉट डीएल पी से लेके क्यू तक का, ऐसी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल क्यू से लेके आर तक का, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल आर से लेके एस तक का, एंड वैसी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल कहां से कहां तक, एस से लेके पी तक का। चार अलग अलग सेगमेंट्स हैं, तो वायर को चार हिस्सों में बांट लिया। तो बी डॉट डीएल पहले एक साइड का, फिर दूसरे साइड का, तीसरे का और चौथे का, पूरी कंप्लीट लूप का बी डॉट डीएल इस तरीके से आ जाएगा। अक्षत क्लियर है यहां तक? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? वैल्यूज पुट करें इसमें। तो सबसे पहले अगर मैं बी डॉट डीएल निकालता हूं कहां से कहां तक, पी से लेके क्यू तक, पी से लेके क्यू तक, तो पी से लेके क्यू तक बी डॉट डीएल में बी वेक्टर राइट की तरफ है और डीएल भी राइट की तरफ है। अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो बी डीएल कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज जीरो, क्योंकि बी भी राइट की तरफ है, डीएल भी राइट की तरफ है, एंगल उनके बीच में क्या आएगा, जीरो। ठीक उसी तरीके से ये पी से लेके क्यू तक है, प्लस अगर मैं क्यू से लेके आर की बात करता हूं तो मुझे लिखने की कुछ जरूरत है नहीं, क्यों? बी वेक्टर कहां पर है, राइट, और डीएल वेक्टर कहां पर है, यहां पर, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा हमेशा 90, और डॉट प्रोडक्ट जो इसका निकलेगा तो स्ट्रेट वे लिख देते हैं इसका आंसर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि बी डॉट डीएल की वैल्यू इस केस में क्या आएगी, 90। क्या है पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट उसी तरीके से इसको पहले देख लेते हैं एसपी। एसपी में डीएल वेक्टर कहां है, नीचे, और बी वेक्टर कहां है, इस तरह। तो फिर से एक बार एंगल क्या बनेगा इनके बीच में, यहां पर भी 90 था तो यहां पर भी 90, तो इसलिए एसपी वाले जो टर्म है वो भी एग्जैक्टली क्या जाएगी, जीरो। अब लास्ट, अब क्या बचा हमारे पास, आर से लेके एस तक। आर से एस तक बी वेक्टर एक्सिस के ऊपर लेना है, क्योंकि हमने निकालना कहा है एक्सिस का बी, और आर एस पॉइंट कहां घूम रहा है, सोलेनोइड के बाहर है। कोई मुझे बताएगा कि इसकी जो वैल्यू आएगी, स्टेटमेंट सुनना, इसकी जो वैल्यू आएगी, मैं ये तो नहीं कहूंगा एग्जैक्ट जीरो आएगी, अप्रोक्सीमेटली जीरो आएगी। कोई ये ना कहे कि एंगल बिटवीन देम इज 90, बिल्कुल 90 नहीं, क्योंकि बी वेक्टर जा रहा है राइट और डीएल वेक्टर जा रहा है लेफ्ट, 90 नहीं है बिल्कुल भी। तो कोई मुझे बताएगा कि इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो क्यों आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग और बुक्स भी ऐसी लिखती हैं, क्योंकि वो बाहर है। तो ठीक है, बुक्स ये लिख के क्लोज कर देती है कि सबसे ज्यादा बी जो है वो एक रिंग अपने एक्सिस पे ही लगाती है, और एक्सिस पे बी सबसे स्ट्रांग होता है, उसके मुकाबले वो पॉइंट बाहर है तो उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, तो एक्सिस के मुकाबले बी वहां पर काफी छोटा है तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से एग्जैक्ट रीजन कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से सुनना, कि आप सोलेनोइड को अगर ऑब्जर्व करो बड़े ध्यान से, तो सोलेनोइड में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे घूम रहे, नंबर ऑफ टर्न्स, कोई भी दो टर्न्स ले लो, एक ये वाला टर्न और एक ये वाला टर्न, आमने सामने इमेजिन कर रहे हैं, दो टर्न्स ले लिए, दोनों में करंट ऐसे आ रहा है, और कोई भी पॉइंट इन दोनों टर्न्स के कहीं बीच में यहां पे ले ले,
तो अगर मैं 2 मिनट के लिए इसकी फिगर ड्रॉ करता हूं, ये फर्स्ट टर्न है, ये सेकेंड टर्न है, कनेक्टेड आपस में, जैसे ही बना रहा हूं तो दोनों में करंट जैसे आ रहा है सेम डायरेक्शन में बाहर आ रहा है, क्लियर हो गया यहां तक। और मुझे कहीं पॉइंट यहां लेना है, तो मैं एक काम करता हूं, अगर मैं जस्ट इमेजिन करूं, मैंने आपको एक केस करवाया था स्ट्रेट वायर्स का, अगर स्ट्रेट वायर्स में करंट कितने हैं, आई एंड आई होता है, और अगर मैं कोई बी इनके मिड पॉइंट में निकालता हूं तो सबको मालूम है कि इसकी वजह से बी इनसाइड है, ठीक, और इसकी वजह से कैसे है, आउटसाइड है, और दे विल कैंसिल ईच अदर, और नेट बी क्या जाता है, जीरो। कुछ ऐसी सिचुएशन इसमें भी हो रही है, करंट इज कैरिंग इन सेम डायरेक्शन, और जिसकी वजह से अगर कोई पॉइंट यहां लिया जाएगा, तो अगर मान लो ये टॉप मोस्ट पॉइंट मैं कैसे शो करना चाहता हूं, ये देखो मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट का एक एलिमेंट लिया, ये रहा, ठीक, जैसे ये रिंग ऐसी थी, टॉप मोस्ट पॉइंट ऐसे है, करंट बाहर आ रहा है, और दूसरे का भी ऐसे है, तो एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है, और पॉइंट कहीं यहां ले ले, तो इसमें करंट अगर ऐसे जा रहा है तो बी वेक्टर कैसे निकलेगा, बाहर, और इसमें करंट अगर ऐसे जा रहा है तो बी वेक्टर कैसे निकलेगा, अंदर, एंड इन दोनों के बी आपस में क्या होते जा रहे हैं, कैंसल। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरह कैंसल, क्योंकि पूरी तरह कैंसल तो मिड पॉइंट में ही होंगे, बट हाँ फिर भी कुछ ना कुछ वैल्यू रिड्यूस हो ही जाती है, और इतनी रिड्यूस हो जाती है कि एक्सिस के मुकाबले दैट कैन बी निग्लेक्टेड। मैं ये तो नहीं कहूंगा कंप्लीटली जीरो होती है, बट फिर भी दोनों रिंग्स आर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, तो एक्सिस को छोड़ के, एक्सिस के अंदर तो फायदा हो गया क्योंकि एक्सिस के ऊपर रूल फिंगर्स वाला, ये चार फिंगर करंट के साथ भी इधर, सेकेंड लूप का चार फिंगर करंट के साथ भी इधर, तो दोनों भी आपस में क्या हो जाते हैं, एड, सभी लूप्स का एड हो जाता है एक्सिस पे, लेकिन एक्सिस के अलावा कोई भी पॉइंट अगर बाहर होगा वो एड होने की बजाय उल्टा कैंसिल होता जाता है, तो इस वजह से हम इसे निग्लेक्ट करते हैं। आपसे कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आपने सीधे लिख देना इसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो। आप एनसीईआरटी में सीधे लिखोगे इसकी वैल्यू कैन बी निग्लेक्टेड एंड इज जीरो, दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड दिस सोलेनोइड। इसकी इसकी ये तो जस्ट इमेजिन कर रहा हूं, इसकी एक लूप की नहीं आएगी ना, इसका एलिमेंट लेना पड़ेगा डीएल, इसका एलिमेंट डीएल, तो स्ट्रेट हो गया ना एलिमेंट्स, तो इस वजह से इनके बीच में कैंसिल होगा, सर्कल की वजह से रिजल्ट नहीं लगेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? एक्सिस को कैसे, नहीं इसमें ऐसा होता है जहां पर आपको बी निकालना है क्लोज पाथ वहां से पक्का पास करेगा, क्योंकि बी डॉट डीएल में से जो इंटीग्रेशन में बी निकलता है उस पॉइंट में से निकलता है, तो इसमें वो रूल है, वो अलग रूल है, ये अलग रूल है, ठीक, उसमें भी ऐसे ऐसे होता है जहां ई निकालना है तो सरफेस वहीं से पास करेगी, चार्ज अंदर होता है, हाँ तो इसके अंदर भी करंट अंदर है ना, ये देखो क्लोज्ड पाथ ये बना दिया, करंट बीच में से पास हो गया ना, देखो इसमें से, अच्छा आप कह रहे नीचे छोड़ दिया, नहीं नहीं करंट तो एक ही बार पास करवाना है ना, ऐसा नहीं होगा कि आपने इसको लेने लेना है इसको, कोई बात नहीं, करंट आई इसमें इंक्लूड हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक, तो मैं करके दिखाता हूं, 2 मिनट रुको। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक? मनन क्लियर है तो बोलो, हाँ अच्छा ठीक, तो इस केस में मैंने ये बताया कि ये और ये जीरो, समझ में आया एंगल 90, मैंने ये बताया कि ये जो पॉइंट है ये बाहर लाई करता है, तो जितने भी पॉइंट बाहर लाई करते हैं वहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि भी पूरा जीरो होता है, पर हाँ काफी कम हो जाता है, उसका रीजन बताया, इमेजिनेशन है, करंट दोनों लूप्स में ऐसे जा रहा है, कोई भी दो लूप्स पकड़ लो, टॉप मोस्ट सरफेस देख रहे हो ये वाली, तो टॉप मोस्ट सरफेस का ये एलिमेंट ले लिया डीएल डीएल, ये ना बाहर की तरफ जा रहा है, तो करंट अगर यहां जा रहा है और पॉइंट बीच में है तो बी की वैल्यू इसकी वजह से यहां पर आएगी ऊपर, लेकिन इसकी वजह से इसी पॉइंट पर आएगी नीचे, तो अगर करंट दोनों डायरेक्शन में सेम है, दोनों वायर में सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के बी को क्या करते जाएंगे, कैंसल, क्योंकि बी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते जाएंगे जिससे कि वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो यहां पर अगर इसे ओपन करें तो बी इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम पी से लेके क्यू तक डीएल, बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल फ्रॉम पी से क्यू, पी से लेके क्यू तक डीएल 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 मिलाओगे तो टोटल लेंथ क्या जाएगी, एल, तो यहां पर क्या जाएगा, एल, इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट समझ में आया यहां तक कि बी डॉट डीएल की वैल्यू पूरी लूप के लिए
क्या आएगी, बी इंटू एल, ठीक, क्योंकि डीएल 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 करके पी से लेके क्यू तक आंसर क्या आएगा, एल आएगा। कोई डाउट इसमें, ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ हमें क्या बताता है कि बी डॉट डीएल कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फॉर अ क्लोज लूप, कैसे, म्यू नॉट टाइम्स करंट आई। अब कई लोग कहेंगे कि इस पूरे लूप में आई करंट जा रहा है तो क्यों ना इसे आई से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ ठीक सोच रहे हैं, यही है ना कि इस क्लोज लूप, ये पी क्यू आर एस क्लोज लूप है, इसके अंदर सॉलोनॉइड में कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, तो आई से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, अगर मैं अकेला आई लेता हूं और कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि मैंने नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। अगर करंट लूप में सिर्फ एक बार घूमता है तो वो एक बी जनरेट करता है, और अगर दो बार घूमता है दो लूप में तो वो दो बी जनरेट करता है, दो बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाता है। थ्री टाइम घूमता है तो थ्री टाइम हो जाता है, एन टाइम घूमता है तो एन टाइम हो जाता है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में हमने रिजल्ट किया था, जितने बार घूमेगा उतने टाइम मैग्नेटिक फील्ड हाई हो जाएगा, ऐसे ही करते हैं हम। तो एम्पियर सर्किट लॉ स्ट्रेट वायर में तो यही बोलता है कि अगर क्लोज लूप क्लोज पाथ है उसके अंदर आई करंट है तो म्यू नॉट इनटू आई कर दो, पर जिसमें लूप्स हैं उसमें ये बोलता है कि करंट कितनी बार घूमा उस नंबर से भी मल्टीप्लाई करो। तो करंट इसमें कितनी बार घूमा कैलकुलेट करें, किसमें, उसके क्लोज्ड पाथ में, और क्लोज्ड पाथ कहां से कहां तक है, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस में सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं कि पूरे सोलेनोइड का एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मुझे एक चीज बताओ कि मैंने कितना सोलेनोइड का पोर्शन कंसिडर किया, एल, सिर्फ पी क्यू पोर्शन में एल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स बोलो कितने होंगे, एन को किससे मल्टीप्लाई करूं, एल से, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को एल से मल्टीप्लाई किया तो इस पोर्शन में नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। तो ये बताओ कि एक टर्न में कितनी बार करंट घूमा, आई, और मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने, एन इंटू एल, तो कितनी बार करंट घूमा, नंबर ऑफ टर्न्स जितने भी पोर्शन के इंटू आई। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ऐसा क्यों लिया, क्योंकि जितनी बार, जितना बड़ा ये नंबर होगा उतना ही बी हाई आएगा, क्योंकि बी की वैल्यू बढ़ जाएगी जितने नंबर ऑफ टर्न्स हो। क्लियर है यहां तक? तो अब यहां पर इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू को इक्वेट करते हैं, तो बी इंटू एल की वैल्यू आएगी म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन इंटू एल। एल से एल तो मैंने इमेजिन किया था, एल तो सॉल्वेंट की लेंथ तो मुझे पता नहीं, वो तो बहुत लॉन्ग है, तो मैंने तो एल पोर्शन कंसिडर किया, एल से एल कैंसिल, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट एन आई। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपकी एनसीईआरटी की डेरिवेशन है और यहां तक आपको प्रूव करनी है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो छोटे n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। कोई डाउट इसमें? तो प्रूव हो जाएगा। आज पांच एप्लीकेशंस हो रही हैं, अगली बार आपका एम्पियर सर्किट लॉ का जितना भी आज लेक्चर कंप्लीट होगा उसका शॉर्ट टेस्ट भी है, साथ साथ होगा। हाँ, एनसीईआरटी लेवल डेरिवेशंस का ही होगा, तो यहां तो मैं लिख रहा हूं ना, आपकी प्रैक्टिस करवानी है, ठीक। मैं दो दो डेरिवेशन दूंगा आपको करने के लिए। पॉइंट आज तो यही है, आज बाइट सर्वेट लॉ क्लोज करेंगे, आज बाइट सर्वेट लॉ, नेक्स्ट टाइम एम्पियर सर्किट लॉ, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो जल्दी होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, पहले ये बताओ, ठीक। स्टार्ट, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ध्यान से सुनना है। तो ये पॉइंट क्लियर है, समझ में आया? एक्चुअल में ये एक शॉर्टकट है जो एम्पियर ने हमें बताया,
जो रूल है, जो असली में बी निकालने का काम किया था, वो किया था बाइट सेवर्ट लॉ ने। तो हम एक काम करते हैं, हम एक बार फिर से इस डेरिवेशन को करेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ बाइट सेवर्ट्स लॉ। वो लॉ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो जो डेरिवेशन है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बार समझना है मैं कैसे कर रहा हूं। उसके स्टेप्स भी आपको याद नहीं करने क्योंकि वो डेरिवेशन आती नहीं है, लेकिन उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है। आपको अपने आप समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूं। उसके लिए एक काम करो, मैंने आपको एक फोटोकॉपी, एक एप्लीकेशन ऑफ ये जो सोलेनोइड की डेरिवेशन, एक फोटोकॉपी दिया, से ओपन करना प्लीज। लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, ताकि टाइम बचेगा हमारा। ठीक, हाँ, तो इसमें जिसमें डायग्राम बना हुआ है इसका सोलेनोइड का, जिसमें लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ सोलेनोइड, आप चेक कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ सोलेनोइड। ठीक, तो इसमें सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ सोलेनोइड के अंदर आप पहला डायग्राम चेक करना प्लीज। तो मुझे बी निकालना है ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन का मतलब होता है एक्सेस। तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हो कि ये एक सोलेनोइड है, राइट, और करंट इसमें ऐसे आ रहा है, समझ में आ रहा है, अंदर बाहर घूम के आ रहा है करंट, समझ में आया। नेक्स्ट नेक्स्ट डायग्राम पे सेम डायग्राम को ऐसे प्लॉट किया गया, ये देखो डॉट, ये कुछ डॉट की फॉर्म में ऐसे आप चेक कर सकते हो, और नीचे क्या ड्रॉ किए गए, क्रॉस। कोई मुझे समझा सकता है कि इस डायग्राम और इस डायग्राम में कोई फर्क नहीं, कैसे? बिल्कुल सही, आप इमेजिन कर पा रहे हो, मतलब हमने वायर्स का जाल नहीं दिखाया गोल गोल घूमता हुआ, हमने सिर्फ ये बता दिया कि ये वायर्स अंदर से बाहर आती जा रही हैं कुछ इस तरीके से, और करंट यहां से बाहर आ रहा है तो यहां अंदर जा रहा है, फिर घूम के वायर यहां से बाहर आएगी और यहां अंदर जाएगी, फिर करंट यहां से आएगा, मतलब सेम डायग्राम है जैसे ये है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? मतलब अगर मैं यहाँ वायर्स ड्रॉ कर दूं, ये देखो ये वायर यहाँ ड्रॉ करूंगा, तो आपको पूरी वायर्स का पूरा जाल दिखाई देगा गोल गोल। उसको हटा दिया ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर दिखाई दे, कोई डाउट इसमें? ठीक, ये डायग्राम क्लियर है। इसकी लेंथ फाइनाइट है, यहां से वहीं तक है बस, ये इनफाइनाइट नहीं है, और ये इसका एक्सिस है, इसको एक्सियल लाइन बोल सकते हैं, एक्सिस है। मुझे इस एक्सिस पर कहीं पर भी, मान लो यहां पर पी पॉइंट पर, मुझे क्या निकालना है, बी निकालना है, राइट। ये क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था, बस फर्क ये था थोड़ी देर पहले हमने इनफाइनाइट सोलेनोइड लिया था, इसमें हमने फाइनाइट ले लिया है। ठीक, अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट कि आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो, मान लो इस सोलेनोइड का एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर करो, जैसे कि ये एक पी पॉइंट है और आपने ये कंसिडर कर लिया। अब सोलेनोइड में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये तो आप बता नहीं सकते, इसमें बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। आकाश है, आरुषि जैन, निशिता, शशांक, अरुण, दृष्टि, नितेश, तरुण, अदिति। ठीक है, ठीक, तो देखो मैं बता रहा था कि आपने इसमें क्या कंसिडर किया, आपने इसमें एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया। मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब आपने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया, ये लो ये मैंने सोलेनोइड का एक पोर्शन कंसिडर करके दिखा दिया, ये तो कोई जरूरी नहीं कि इसमें एक टर्न ही दिखेगा आपको, ये तो चलो मेरे डायग्राम में एक दिख रहा है, क्या पता जो आपने क्योंकि सोलेनोइड लिया उसमें टर्न्स बहुत 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 पास हैं, और मान लो 1 लाख टर्न्स हैं और आपने इतना सा पोर्शन लिया उसमें पता लगे 100 टर्न्स निकलाए, तो ये तो आप कह नहीं सकते कि इसमें एक ही टर्न होगा। तो आपने मतलब एक सोलेनोइड गिवन है, उसका एक स्मॉल एलिमेंट लिया, उसमें मुझे पता नहीं कितने टर्न्स हैं, पर कम से कम ये ना बोले कि उसमें एक ही टर्न है। पहला पॉइंट क्लियर है, तो इस पोर्शन में ठीक है आपको यहां एक टर्न नजर आ रहा है क्योंकि मैंने डायग्राम में डॉट्स थोड़े दूर बनाए हैं, अदरवाइज यहाँ डॉट 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 जितने मर्जी ड्रॉ कर दो, और इसमें पता नहीं ऐसे कितने डॉट्स आ सकते हैं, तो मुझे पता नहीं यहाँ पर कितनी बार करंट घूम रहा है और कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। क्लियर यहां तक? सपोज करो एक आपने एक परपेंडिकुलर कुछ ऐसे ड्रॉ किया यहां पे कुछ इस तरीके से, सच दैट ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है चेक करना यहां पर कितना एंगल बनाया हुआ है, डी डायग्राम में D5, ओके D5, राइट D5, और सपोज ये एलिमेंट आपने कितने एंगल पर लिया, 5,
तो इसने डी फाई एंगल बनाया और एट एन एंगल ऑफ कितना फाई, राइट। मैं बताऊंगा इसका क्या करना है। और ये जो एलिमेंट है ये आपने इस एक्सिस से कितनी दूरी पे लिया, एक्स, चेक करो, एक्स दूरी पे लिया। और इसकी जो थिकनेस है ये या लेंथ है ये कितनी ली आपने, डीएक्स। और ये रेडियस ऑफ सोलेनोइड है जिसकी वैल्यू सपोज कितनी ली, आर। ठीक है यहां तक ये पॉइंट क्लियर है? मुझे सिर्फ एक चीज का आंसर बताओ कि अगर मैं इस पोर्शन का कोई एक टर्न ले लेता हूं, एक टर्न, वो टर्न गोल है, गोल है, उस टर्न के एक्सिस पे ये पी पॉइंट लाई करता है, क्योंकि टर्न ऐसे घूम रहे हैं बाहर की तरफ, और एक्सिस पे पी पॉइंट लाई करता है, और उस टर्न के एक्सिस से कितनी दूर वो पॉइंट लाई करता है, एक्स। हमने बायट सर्वेट लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन की थी, एक लूप के एक्सिस पे बी कैसे निकलता है, तो एक लूप के एक्सिस पे बी निकालने का फॉर्मूला क्या था, एक लूप के एक्सिस पे बी निकालने का फॉर्मूला था म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i लूप का रेडियस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर कितना 3/2। अब सोलेनोइड के मुकाबले ये एक टर्न का बी बहुत छोटा है, तो ये एक टर्न का बी आ गया। और कौन सा टर्न जो आपने इसमें से कंसिडर किया, उसका बी का कॉन्ट्रीब्यूशन पी पॉइंट पर ले लिया हमने, एक टर्न का। और ऐसे जितने भी टर्न्स हैं मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। पर ये जो स्मॉल आपने पोर्शन लिया इसका एक टर्न का इतनी वैल्यू आई। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं कितने उसके लिए काम करते हैं, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये ले लिया। अच्छा ये बताओ इस स्मॉल पोर्शन की लेंथ कितनी है, डीएक्स, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन इंटू डीएक्स। क्लियर है? तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि उस स्मॉल एलिमेंट में जो रेड कलर का पोर्शन है इसमें मुझे पता नहीं कितने टर्न्स हैं, मान लो इसमें कितने टर्न्स हैं, एन टर्न्स हैं, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी कितने टाइम्स हो जाएगा, एन टाइम्स। क्लियर है? उस पोर्शन में से पहले एक रिंग लिया, एक रिंग का बी आया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एन से, उसमें जितने भी टर्न्स हैं तो टोटल भी आ गया, किसका, उस रेड पोर्शन का, सिर्फ अभी पूरे सोलेनोइड का नहीं आया, सिर्फ रेड पोर्शन का। और आप इसमें डीबी उस पोर्शन के लिए म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i r² डिवाइडेड बाय r² x² होल रेज टू पावर 3/2, और n की जगह क्या पुट कर सकते हैं, n इनटू dx, ये वैल्यू आपने पुट कर ली। ठीक, अब बस लास्ट स्टेप है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में टैन फाई किसके इक्वल है, एक्स डिवाइडेड बाय आर, तो एक्स किसके इक्वल है, आर इंटू टैन फाई। ये भी स्टेप क्लियर है जो लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू आर टैन फाई, तो जहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है वहां क्या पुट करेंगे, आर टैन फाई। और इसे अगर डिफरेंशिएट करें तो ये डीएक्स हो जाएगा, और टैन फाई की डिफरेंशिएशन ये होती है इंटू डी फाई, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो डीएक्स की जगह ये टर्म पुट करें, एक्स की जगह ये टर्म पुट करें, और जब ये टर्म पुट करेंगे तो बिल्कुल आखिरी लाइन है फर्स्ट पेज की, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i n इंटू कॉस फाई डी फाई, ये आपके पास टर्म बच जाएगी। करना नहीं है आपको, जस्ट मेथड बता रहा हूं, अगर आप करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, हालांकि मैंने अपने पेज पे करके भी दिखाया हुआ है। ठीक, क्योंकि आपको डेरिवेशन पूछेगा तो है नहीं, तो आपको तो एंड रिजल्ट याद करना है बस, तो बस मैं कर करके दिखा रहा हूं कि ऐसे करके आएगा। और लास्ट में जब इसे इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, देखो इसमें इंटीग्रेशन कुछ ऐसे होगी कि जो सोलेनोइड ये रहा, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है सोलेनोइड का, तो एक काम करो इस वर्टिकल लाइन से, सपोज करो ये वर्टिकल रेड लाइन से, यह एंगल कितना है एल्फा, और यह आखिरी सोलेनोइड खत्म यहां पर हो रहा है, तो सपोज ये एंगल कितना है बीटा, तो इस लाइन से ये सोलेनोइड का एंड कितने एंगल पर है अल्फा, और इसी लाइन से सोलेनोइड का दूसरा एंड कहां पर आता है बीटा, तो लेंथ ऑफ सोलेनोइड की बजाय आपको क्या दे दिया अल्फा एंड बीटा। तो इस वर्टिकल लाइन से अगर आप इस तरफ जाते हो तो लिमिट लगेगी माइनस अल्फा, और अगर वर्टिकल लाइन के इस तरफ आते हो तो लिमिट लगेगी प्लस बीटा। तो आप चेक कर सकते हो जो लिमिट्स लगाई हुई है माइनस अल्फा से लेके प्लस बीटा लगाई हुई है, और इसे अगर आप इंटीग्रेट करें तो b का फाइनल फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i इंटू एन इंटू साइन ऑफ एल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा।
ये क्या आ गया बी का फॉर्मूला। आपने जो याद करना है, कोई डेरिवेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आपको बस ये बताना चाहिए कि अगर आपके पास एक फाइनाइट सोलेनोइड है एक एंड, और जहां आपने बी निकालना है वहां से एक लाइन खींच लो वर्टिकल, लेफ्ट की तरफ का एंगल कितना है और राइट की तरफ का एंगल कितना है, अगर वो एंगल अल्फा बीटा आपको पता लग जाए तो उस पॉइंट पर बी आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपने याद करना है पूरी असाइनमेंट में से, बस और कुछ नहीं करना, बस ये बॉक्स में डालो और बस ये याद कर लो। अब देखो अगर सोलेनोइड बताओ इनफाइनाइट लेंथ का हुआ, ध्यान से देखना, अगर यहां से इसकी लेंथ बढ़नी स्टार्ट हो गई तो बीटा बढ़ना 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 स्टार्ट हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू बीटा की क्या हो सकती है 19, इनफाइनाइट के केस में 90, और ऐसी यहां पर भी अल्फा की वैल्यू कैन बी 90। तो अगर ये फाइनाइट सोलेनोइड आ जाए इनफाइनाइट के केस में, अल्फा एंड बीटा की जगह क्या पुट करेंगे 90, तो बी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई एन इनटू साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2। साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1 एंड 1, तो बी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई इनटू एन इनटू 2 2 2 पाई 4 पाई, और फाइनल आंसर क्या आ गया म्यू नॉट एन। ये वही रिजल्ट आ गया जो एम्पियर सर्कुलर लॉ ने दो लाइन में निकाल दिया था। तो आपको प्रूफ तो एनसीईआरटी में वही करना है, ये नहीं करना, लेकिन ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को आपको एक फाइनाइट सोलेनोइड दे दिया और ऊपर से एंगल्स भी दे दिए अल्फा बीटा, तो फिर फाइनाइट के लिए यही फॉर्मूला चलेगा, वो नहीं चल सकता। क्या ये पॉइंट क्लियर है तुषार यहां तक? अब जैसे एक क्वेश्चन आता होता है कि अगर आपके पास एक सोलेनोइड है, और कैसा सोलेनोइड है ये देखो, क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक सोलेनोइड है, ये रहा इस सोलेनोइड का ये एक्सिस है, और मुझे बी यहां निकालना है एट द कॉर्नर ऑफ द सोलेनोइड, और एक तरफ से सोलेनोइड इनफाइनाइट लेंथ का है, तो बोलो बी का फॉर्मूला बनेगा क्या, एंगल्स क्या पुट करें, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई एन, तो ठीक है बोलो साइन ऑफ पहला एंगल क्या पुट करें, याद है क्योंकि पॉइंट स्टार्ट ही वहीं से हो रहा है, और दूसरा क्या पुट करें 90, क्योंकि इनफाइनाइट है तो 90, अगर स्टार्ट वहीं से हो रहा तो 0, जैसे हमने इनफाइनाइट वायर का केस भी किया था। क्या पॉइंट क्लियर है? तो साइन ऑफ पाई बाई 2 1 होता है, तो आपका आंसर आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई एन इनटू 1, ये कैंसल 2 बच गया, तो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय कितना 2। तो सोलेनोइड के कॉर्नर पे बी का फॉर्मूला पता लगा, और वो भी तब जब एक एंड कॉर्नर है और दूसरा एंड इंफिनिटी है, तो ये आंसर आ गया। न्यूमेरिकल अगर आएगा तो कैसा आएगा वो बता देता हूं, वैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल का चांस थोड़ा सा कम है फाइनाइट के ऊपर, पर फिर भी शीट के अंदर आपको दो चार न्यूमेरिकल मिलेंगे, पर इतने नहीं मिलेंगे कि बहुत ज्यादा मिले, तो बस फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए तो हमारा आंसर आ जाता है। जैसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ऐसे रहती है कि आपके पास एक सोलेनोइड है, ये लेंथ आपको एल गिवन है, दिस इज अ फाइनाइट सोलेनोइड, और मैंने आपको इसके एक्सिस पे यहां कहीं पी निकालने को दे दिया, ठीक, और मैंने इसका साथ में क्या दे दिया रेडियस आर भी दे दिया, राइट। तो अब क्या होगा इसमें, इसके अंदर फॉर्मूला तो वही लगेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई, बस मेन प्रॉब्लम क्या होती है एंगल की। सबसे पहले पी पॉइंट में से एक लाइन को पास करते हैं, राइट, पी पॉइंट में से ये एंड एक है और ये एंड एक है, एक एंगल हमेशा क्या लिया जाता है अल्फा और दूसरा क्या लिया जाता है बीटा, ऐसे बनाया था डायग्राम। अब साइन अल्फा कैसे निकलेगा ध्यान से देखो, साइन अल्फा के लिए रादर एक काम करते हैं, तो क्वेश्चन में ना थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन है, ये जो सोलेनोइड है थोड़ा लंबा बना रहा हूं मैं ऐसे, और मैंने जो बी निकालने को कहा वो सोलेनोइड के मिड पॉइंट पे कहा रादर, मिड पॉइंट पे, तो दिस एंगल इज बीटा, तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस सोलेनोइड, राइट, बिल्कुल बीच में है। बीच में होने का मतलब ये वाली लेंथ कितनी हो गई एल बाई टू, यू ड्रॉ अ ट्राइंगल, तो ये साइड कितनी है एल बाई टू, ये साइड कितनी है आर, तो पाइथागोरस लगा के ये साइड आ जाएगी, तीनों साइड आ गई, तो यहां से साइन अल्फा आ जाएगा एल बाई टू डिवाइडेड बाय दिस साइड, ऐसी साइन बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी, ये लेंथ अगर एल बाई टू है सेम, ये कितना है आर, तो ये साइड आ जाएगी और यहां से साइन बीटा आ जाएगा, तो जो भी न्यूमेरिकल होगा उसमें साइन अल्फा साइन बीटा उनके डायमेंशन से सॉल्व करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि मैंने थर्ड पेज में शायद करके भी दिखाया हुआ है अपने असाइनमेंट में,
बट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस अगर ये केस समझ में आ रहा है बस सफिशियंट है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसमें करना कैसे है, क्लियर है? तो एम्पियर ने जो किया वो एकदम सही किया और चीजों को काफी ईजी भी किया। यहां तक सबको क्लियर? तो सीबीएसई एनसीईआरटी में वही फॉर्मूला बुकलेट वाला करेंगे, सोलेनोइड का केस आने का चांस बहुत ज्यादा है और वो आता है और वही करेंगे। और ऑब्जेक्टिव के लिए अगर रिक्वायर्ड होगा तो साइन अल्फा और साइन बीटा वाला फॉर्मूला हम याद करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो कितनी एप्लीकेशन हो गई है हमारी? तीन। चौथी एप्लीकेशन नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 100 या 101, पता नहीं कौन सा पेज है, कौन सा 100, पेज नंबर 100 पे, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। देखो क्वेश्चन है फोर्थ एप्लीकेशन में, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ टोरॉइड। ये टोरॉइड क्या होता है? एक सोलेनोइड इस फॉर्म में, लूप्स की फॉर्म में ऐसे, ये टोरॉइड है, मतलब है सोलेनोइड ही, पर हमने इसकी शेप क्या कर दी, गोल सर्कल की फॉर्म में कर दी, ये टोरॉइड है। टर्न्स है, टर्न्स घूम के जा रहे हैं। तो इसके अंदर मान लो इसमें कितना करंट गया, आई, आई करंट मूव कर रहा है, घूम के वापस कितना आ रहा है, आई, और ये काफी क्लोज है। क्लियर है यहां तक? तो मुझे कहां बी निकालना है, मुझे इसके एक्सिस पे निकालना है। अब इसका एक्सिस कहां मिलेगा मुझे? इसका एक्सिस इन लूप्स के सेंटर पे मिलेगा, ये रहा, हर लूप के सेंटर में से मैंने एक लूप घुमा दिया, ये इसका एक्सिस है। तो ऑलमोस्ट ये सर्कल की फॉर्म में बनेगा कुछ ऐसा, राइट? तो मुझे इस डॉटेड लाइन पर कहीं पर भी क्या निकालना है, बी निकालना है। तो अगर मुझे इस डॉटेड लाइन पे बी निकालना है तो मैं अपना क्लोज्ड पाथ भी कहां से पास करूंगा, जहां मुझे बी निकालना है। तो यही इमेजिन कर लेते हैं मेरा क्या है, क्लोज्ड पाथ है, क्लियर है? मुझे यहीं पर बी निकालना है और यही मेरा क्लोज्ड पाथ है। डायरेक्शन कैसे निकलेगी बी की? वैसे रूल तो ये बोलता है कि अगर करंट इसमें मान लो बोर्ड के बाहर आ रहा है कुछ इस तरीके से, तो बी ऐसे जाएगा, और अगर इस लूप में अंदर जा रहा है तो बी ऐसे आएगा। इसमें मुझे ज्यादा क्लियर हो नहीं रहा, पता नहीं अंदर है या बाहर है, तो कुछ भी ले लो। मान लो मैंने बी वेक्टर इसके बीच में ऐसे ले लिया, आप लेफ्ट लेना चाहो लेफ्ट लो, राइट लेना चाहो राइट लो, तो बी वेक्टर, तो डीएल भी उसी तरफ ले लेना है। उल्टा लेना चाहो उल्टा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी आपका क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ कौन से कलर का क्लोज्ड पाथ है, रेड कलर का, इसमें क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। बोलो क्या निकलेगा, बी डीएल, एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज हमेशा, जहां मर्जी लो बी और डीएल सेम डायरेक्शन में जाएगा। बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया, डीएल, और मान लो क्लोज्ड पाथ का रेडियस कितना है, आर। जो क्लोज्ड पाथ है इमेजिन कर लेते हैं उसका रेडियस आर है। तो कोई मुझे बताएगा कि जब इंटीग्रेशन करेंगे डीएल 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 तो क्या आएगा, टू पाए, ये स्टेप क्लियर है? तो आपके पास बी डॉट डीएल क्लोज्ड पाथ के लिए कितनी आ गई, बी इंटू टू पाए आर। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक, बी इंटू टू पाए आर, राइट? एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या बोला था कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, म्यू नॉट टाइम्स। वो कहता है मेरे क्लोज्ड पाथ में करंट कितना है, आप बोलेंगे आए। उसने ये भी पूछा कि क्लोज्ड पाथ में करंट कितनी बार घूम गया, ये भी बता दो। अब क्योंकि मान लो इस क्वेश्चन में एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही हुआ। और बताओ क्लोज्ड पाथ की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। रेड कलर की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने होंगे, n इंटू टू पाई आर इंटू आई। ये पॉइंट समझ में आया, ये मेरे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ टर्न्स। कोई डाउट इसमें? तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें n इंटू टू पाई आर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर व्हाट, 2। तो इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, तो b इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n इंटू टू पाई आर इंटू कितना आए, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, b इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एन आई। तो टोरॉइड और सोलेनोइड का b का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम आता है,
ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें हो जाएगा प्रूव। तो ये तो इजी एप्लीकेशन है, मुश्किल नहीं है, एक ही स्टेप बार 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 रिपीट करना है। तो आज का लेक्चर भी ऐसे डिज़ाइन हुआ हुआ है कि एक ही चीज़ को बार बार करते जाएंगे और एंड ऑफ द डे आपको सारी एप्लीकेशन समझ में आ जाएंगे। बार बार रोज रोज करेंगे तो मुश्किल होगा, एक जैसा ही बी डॉट डी एल करते जाएंगे आज के लेक्चर में सब क्लियर हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक। और लास्ट एप्लीकेशन है एमपीएस सर्किट लॉ की, एक इनफाइनाइट शीट की, पेज नंबर ओपन कर लो, मेरे हाथ से लिखी हुई है, बुकलेट के अंदर है, 104 104। देखो तो पेज नंबर 104 पे टू फाइंड, फिफ्थ एप्लीकेशन है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग शीट। करंट कैरिंग लिखा हुआ प्लीज आपके असाइनमेंट में हेडिंग में, क्योंकि शीट कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ी ना है कि अंदर चार्ज पड़ा होगा, तो इसमें हमने क्या शो करना है, इसमें कोई करंट। तो लॉन्ग शीट है, लॉन्ग का मतलब इसका साइज इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट शीट की वजह से आपको उसके ऊपर या नीचे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर क्या निकालना है, बी निकालना है। ठीक, ठीक है यहां तक। देखो करंट कैरिंग शीट के अंदर, लॉन्ग शीट में, मैं पहले डायग्राम बनाता हूं, इसको ध्यान से देखो। सपोज ये एक शीट है, ये रही एक थिन शीट है, रादर शीट के आगे ना थिन शीट लिख लेना, तो ये थिक शीट नहीं है, हालांकि मेरा डायग्राम काफी थिक है, बड़ा है, लेकिन वो इसलिए ताकि सबको समझ में आए, अदरवाइज दिस इज वेरी वेरी थिन, मतलब इसके थिकनेस है ही ना के बराबर है, और इसके अंदर करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ये मेरी एक थिन शीट है। ये डायग्राम देखने में कैसा है, ये डायग्राम देखने में कुछ इस तरीके से है, जैसे ये एक शीट है, ये एक लॉन्ग इनफाइनाइट शीट है, और आपको टॉप व्यू नहीं दिखा रहा, मैं ये वाला व्यू दिखा रहा हूँ, ये वाला व्यू में करंट मतलब शीट ही शीट, पूरी रूम शीट शीट, ये कॉपी छोटी नहीं है, आगे की तरफ इनफाइनाइट है, आगे भी इस तरफ भी हर तरफ, और इसके अंदर ही अंदर क्या जा रहा है, करंट जा रहा है यहां पे, तो आपकी तरफ आ रहा है, तो इस केस में करंट डॉट 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 डॉट, ये कॉपी भी थिकनेस में काफी ज्यादा है, लेकिन दिस इज वेरी 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 थिन, तो मतलब ये है कि इतनी पतली है कि इसकी थिकनेस ना के बराबर है, और कोई ये भी ना पूछे सर इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर भी पूछे ही ना, क्योंकि थिन शीट ही इतनी थिन है कि अंदर जाओगे कैसे, तो इसके सिर्फ ऊपर भी या इसके सिर्फ नीचे बस ये निकलेगा। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह ही चल रहा है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में थिन शीट, चार्ज शीट याद है, उसके लेफ्ट पे ई निकाल लो, उसके राइट पे ई निकाल लो, फॉर्मूला क्या आता था, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये इसकी वैल्यू आती थी, राइट, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो इस केस में अब आपको एक थिन शीट है, आपको ई नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, बी निकालना है। ठीक, बी कैसे निकलेगा इसको एक बार देखते हैं। बी निकालने के लिए सपोज करो जहां बी निकालना है वहां क्या लेना पड़ेगा, क्लोज्ड पाथ। मान लो एक मिनट के लिए मेरे को बी यहां निकालना है, मेरे को बी यहां निकालना है, या ऊपर निकालना है या नीचे निकालना है, एक काम करते हैं हम एक क्लोज्ड पाथ लेते हैं, ये मैंने लिया इसका एक क्लोज्ड पाथ, ये रहा, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये डिस्टेंस बराबर होगा, आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि यहां पर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 15 सेंटीमीटर है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बट पॉइंट क्लियर है यहां तक। ठीक, तो मैं ना ये शो कर दूंगा कि जहां आप बी निकालते हो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैटर नहीं करता,
जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक शीट होती थी, इनफाइनाइट साइज, इनफाइनाइट है, आप ई जहां मर्जी निकलवा लो, चाहे पास निकलवा लो चाहे दूर निकलवा लो, फॉर्मूला सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट ही होता था एंड वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। बिल्कुल वैसे ही इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंट पास है या पॉइंट दूर है, बी ऑलमोस्ट क्या रहता है, हर पॉइंट पर सेम रहता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ओके, अभी करके देखते हैं। मैंने एक क्लोज पाथ लिया, ये पॉइंट क्लियर है, और मैंने क्लोज पाथ कहां से पास किया, जहां मुझे बी निकालना है, मुझे बी यहां भी निकालना है, मुझे बी यहां भी निकालना है, पास करवा दिया। क्लोज पाथ सर्कल भी ले सकते हो, कुछ भी लो, मुझे आसान इसमें रेक्टेंगल लगता है, क्योंकि रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, आपका जो 90 डिग्री एंगल की वजह से आपको हेल्प मिलेगी और काफी कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, डायरेक्शंस की बात करते हैं। इसमें करंट कहां आ रहा है? बाहर। डॉट है तो करंट कहां आ रहा है? बाहर आ रहा है, राइट? तो शार बाहर, तो मुझे बी यहां निकालना है, मुझे बी यहां निकालना है। ध्यान से देखना, थंब करंट के साथ, ये रहा आपने ना, ये शीट को छोड़ो, आप इसे ना करंट कैरिंग वायर की तरह ट्रीट करो, ये बहुत सारी करंट कैरिंग वायर्स हैं बस। जैसे सपोज करो ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैसे आ रहा है इसमें? बाहर की तरफ। और अगर मैं ये पूछूं कि बताओ इसकी वजह से बी की डायरेक्शन कैसे होगी, आप थंब राइट हैंड यहां लोगे, इस तरफ होगी। आप इसकी वजह से निकालना चाहते हो, इस तरफ होगी। आप जैसे मर्जी निकाल लो, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इसका जो बी होगा वो कहां होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो करंट कैरिंग वायर है, बाहर की तरफ है, क्योंकि तो इनफाइनाइट है, बहुत सारे करंट है, तो एक कोई भी ले लो जो आपको डायरेक्शन बता दे। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब सपोज करो यहां की पॉइंट की बात करते हैं, यहां पे, यहां पर भी क्या फर्क है? ये देखो, ये करंट कैरिंग वायर है, और चलो मैं पूछता हूं यहां बी की डायरेक्शन बताओ, मुझे तो डायरेक्शन बताओ, वैल्यू नहीं, तो थंब यहां पर और बी कैसे आएगा? लेफ्ट। ऑब्वियसली सेम ही रूल लगेगा, तो इसके ऊपर भी बी की जो डायरेक्शन आएगी कहां आएगी? लेफ्ट। अच्छा, अगर मैं कहता हूं यहां बताओ, तो अगेन सेम रूल है, करंट कैरिंग वायर यहां पर, आप देखो ना आपका करंट इसमें हर बार बाहर आ रहा है, तो कोई भी पॉइंट अगर ऊपर की साइड होगा तो हमेशा डायरेक्शन कहां देगा? टुवर्ड्स लेफ्ट ही देगा। तो जहां मर्जी ड्रॉ कर लो, बी आपका कहां आना है? टुवर्ड्स लेफ्ट ही आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? लेकिन अगर आप नीचे का कोई पॉइंट लेते हो, जैसे ये पॉइंट लेते हो, अब करंट बाहर आ रहा है, तो फिंगर्स कैसे आएंगी? मेरी तरफ। तो यहां पर बी वेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाएगा? मेरी तरफ। दैट इज जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। अच्छा चलो यहां लेते हैं, यहां पर अगेन सेम, करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये फिंगर्स कैसे घूमेंगी? इस तरफ, राइट की तरफ। तो अगेन बी वेक्टर यहां पर, जहां ले लो, जहां मर्जी ले लो, राइट। मतलब सिंपल है कि अगर करंट बाहर की तरफ आ रहा है और कोई पॉइंट अगर ऊपर है तो बी लेफ्ट, अगर कोई पॉइंट नीचे है तो बी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि यहां यहां या यहां, जहां मर्जी ले लो, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी। और बी की वैल्यू को मैं चेंज नहीं करके दिखा रहा, क्योंकि अदरवाइज तो ऐसा होता है कि करंट कैरिंग वायर के जितनी पास रहोगे फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, दूर जाते जाते वीक होगा, पर क्योंकि शीट इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट की वजह से बी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता, इस वजह से बी की वैल्यू हर पॉइंट पर विल रिमेन, वो नहीं चेंज होगी। क्लियर है यहां तक? अभी मैं प्रूव भी करूंगा मैथमेटिकली, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। अच्छा, अब डीएल की बात करें, इसमें डीएल वेक्टर, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, राइट? तो वैसे तो ये शीट इनफाइनाइट है, पर मान लो मैंने इसका कितना डिस्टेंस लिया? एच। तो आपके असाइनमेंट के हिसाब से ये एच है, तो मैंने एच ले लिया, एच लो, एल लो, जो मर्जी लो। तो सोलेनोइड की तरह आपने एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर किया इसका, एल या एच, तो इस केस में सपोज दिस पोर्शन इज एच। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल निकालूं पूरे लूप का, तो क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल फ्रॉम ए से लेके बी, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बी से लेके सी, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल सी से लेके डी, और सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल डी से लेके, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, अब स्टार्ट करते हैं बी से लेके डी, ए से लेके बी तक। ध्यान से देखना, ए से लेके बी तक बी वेक्टर कहां है? इस तरफ। और डीएल भी कहां होगा? ऑब्वियसली इसी तरफ। तो यहां से डीएल 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 ए से लेके बी तक आओगे, तो टोटल लेंथ क्या आएगी? एच। एच
तो यहां पर क्या आएगा, बी इंटू डी एल, और हां इसमें कॉस ऑफ एंगल बिटवीन क्या लिया जाएगा, जीरो। क्या है पॉइंट, क्लियर है? तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक आएगी, ए से लेके बी तक। अच्छा अब बी सी देखो, बी सी कहां पर है, ये रहा बी सी। बी सी में जो लेंथ ली जाएगी वो ऊपर की तरफ ली जाएगी डी एल वेक्टर, क्योंकि बी से लेके सी जा रहे हैं लेकिन बी वेक्टर लेफ्ट की तरफ है, तो एंगल बिटवीन देम इज, तो डॉट प्रोडक्ट जब ओपन करेंगे यहां पर तो आंसर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि बी डी कॉस 90, कॉस 90 मैथ्स में क्या होता है, जीरो। ये स्टेप क्लियर है? अच्छा फिर इधर आ जाते हैं, बी कहां है, सी से लेके डी तक यहां पर, और लेंथ भी ऑब्वियसली डीएल 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 सी से लेके बी तक क्या देगा, एच। लेकिन कहने की, कहने का मतलब बी डीएल में एंगल क्या होगा इसमें, फिर से एक बार जीरो। क्या है पॉइंट, क्लियर है? और लास्ट डी से ए, डी से ए में मैग्नेटिक फील्ड या तो लेफ्ट है या राइट है, और डीएल वेक्टर ऐसे या ऐसे है, तो फिर से एक बार एंगल क्या बनेगा, तो एक बार फिर से आंसर क्या आएगा, जीरो। तो जब बी में और डीएल में एंगल 90 है फिर तो पक्की बात है कि आंसर क्या आएगा, जीरो। कोई डाउट इसमें, क्लियर है? तो इसके अंदर बी इंटू डीएल की इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक क्या होगी, एच, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे, एच, और ऐसी सी से लेके डी तक इंटीग्रेशन डीएल की क्या होगी, एच, सेम। तो यहां से इंटीग्रेशन पूरे लूप की क्या बन गई, 2 इंटू बी इंटू एच। क्या इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है? तो पूरे लूप का बी इंटू 2 इंटू बी इंटू एच आ गया, ठीक है यहां तक? अच्छा अब इसके अंदर आपको अगर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल क्या होगी, म्यू नॉट टाइम्स करंट कितना आए। अब मैं कौन सा करंट लूं, ये क्वेश्चन है, पूरी शीट का टोटल करंट लूं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वाला। कितने लोग कहते हैं कि जितना भी करंट यहां पर आता जा रहा है इनफिनिटी तक पूरा करंट ले लो, ओके। कितने लोग बोलते हैं नहीं सिर्फ क्लोज्ड पाथ के अंदर कितना करंट है बस वही लो, क्लोज्ड पाथ वाला। टोटल क्यों लेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ सिर्फ अपने क्लोज्ड पाथ में कंसर्न्ड है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में सिर्फ ये वाला करंट जो दिख रहा है बस यही लेना है, और सपोज ये करंट कितने है? आए, जो कितनी पोजीशन में मूव कर रहे हैं, एच में, राइट? सारा नहीं लेना, सिर्फ क्लोज पाथ के अंदर, क्लियर? तो टोटल करंट ऐड करके जितना भी है, डी आई डी आई डी आई करके कितना आता है, आई आता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सिर्फ आए। क्या स्टेप क्लियर है? तो आपने इसमें जो करंट लेना है वो टोटल कभी भी नहीं लेना, आपने करंट हमेशा किसका लेना है, क्लोज पाथ का लेना है, क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट, आपने इसमें क्लोज्ड पाथ के अंदर करंट ले लिया, एच पोर्शन वाला ले लिया। अब आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करो। इक्वेशन नंबर 1 = 2, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकाला था, बी डॉट डी एल बी इंटू 2h, और सेकंड से क्या निकाला, म्यू नॉट टाइम्स आई। तो बी का फॉर्मूला क्या बना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2h, क्लियर है यहां तक? तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। बस ये याद रहे, इसमें आए का मतलब टोटल करंट नहीं है, आए का मतलब है एच पोर्शन का करंट, क्योंकि मेरा क्लोज्ड पाथ की लेंथ क्या थी, एच। तो अगर आप अपने क्लोज्ड पाथ की लेंथ एच बढ़ा लेते हो, बड़ी ले लेते हो लूप, तो आपका करंट भी उसमें फिर बढ़ जाएगा, बट रेशियो विल रिमेन सेम। अगर एच आप डबल कर देते हो तो करंट भी उसमें से डबल होके आएगा, एच छोटा करते हो तो करंट भी छोटा आएगा। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें? इसीलिए आपका जो रिजल्ट है उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं आए और एच की रेशियो को बताऊंगा, दिस इज लीनियर करंट डेंसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी में एक हमने पढ़ी थी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक, लेकिन इसमें करंट डिवाइडेड बाय लेंथ, इसीलिए वर्ड आगे क्या लगेगा, लीनियर लेंथ वाइज, नंबर क्लियर है? तो दिस इज नोन एज लीनियर करंट डेंसिटी। इसका सिंबल कई बुक्स तो पुट करती हैं जे, पर प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, जे सुनते ही काफी लोग ये सोचेंगे करंट बाय एरिया, नहीं, सिंबल जे है,
लेकिन लिखा होगा पेपर में दिस इज लीनियर करंट डेंसिटी जे, तो आपने लेना है करंट बाय लेंथ, और कई बुक्स इसको लिखती हैं लैम्डा, ठीक है क्योंकि लैम्डा लेंथ वाइज को रिलेट करता है, तो आप जे लिखो आप लैम्डा लिखो, लेकिन मतलब समझ में आ रहा है शीट के अंदर क्या होता है करंट डिवाइडेड बाय लेंथ। तो आपका फाइनल फॉर्मूला इसमें बनेगा बी इज म्यू नॉट यहां पर जे डिवाइडेड बाय टू, ये फॉर्मूला, या फिर म्यू नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय टू, ये फॉर्मूला आप बी का दोनों में से कोई भी फॉर्मूला कर सकते हो। पॉइंट समझ में आया कि ये डराइव हमने कैसे किया, तो बी का फॉर्मूला याद रहेगा कि बी का फॉर्मूला क्या होगा, और इसके अंदर एक चीज नोट करने वाली है बी की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट कि आपने वो हाइट क्या ली थी पॉइंट की जहां आपने बी निकाला, सिर्फ डेंसिटी पे डिपेंड करती है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल वैसी जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपकी जो वैल्यू आती थी वो क्या आती थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, देखो 2 इसमें भी आ रहा है, उसमें सिग्मा आ रहा था, इसमें लैम्डा आ रहा है, उसमें एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में, इसमें म्यू नॉट न्यूमिनेटर, सब कुछ बिल्कुल सेम ही तो चल रहा है। तो उसमें इनफाइनाइट शीट का हमने ई निकाला था, इसमें इनफाइनाइट शीट का हमने बी निकालना है। प्रूफ क्लियर है यहां तक? तो अगर ये प्रूफ आता होगा तो कर लोगे इसे प्रूफ को। अब मैं इसका न्यूमेरिकल बताता हूँ या एप्लीकेशन बताता हूँ शीट की, बहुत ही सिंपल है शीट के ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो शीट के ऊपर क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चंस अगर आएंगे तो कैसे आ सकते हैं, मैंने अपने बुकलेट के नीचे एक एग्जांपल्स दिए हुए हैं एक दो, आप प्लीज़ वो देख सकते हो। उन एग्जाम्पल्स में मैंने ये बताया, उन एग्जाम्पल्स में ये ठीक कि सपोज करो आपके पास इनफाइनाइट शीट है ये रही, और सपोज करंट इसमें बाहर आ रहा है, राइट, ये एक इनफाइनाइट शीट है, और मान लो इसकी जो डेंसिटी है लीनियर डेंसिटी वो जे है, लैम्डा है या जे है कुछ भी कह सकते हो, ठीक है यहां तक। उसी तरीके से एक और शीट है और उसके अंदर वो जो शीट है उसके अंदर करंट कैसे जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, और इसकी भी डेंसिटी कितनी है, जे है। जे वन जे टू भी न्यूमेरिकल में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने जे एंड जे ले लिया, हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है सेम भी हो, ठीक है यहां तक। मेरा क्वेश्चन है कि मुझे यहां पे नेट बी बताना है कितना होगा दोनों शीट्स की वजह से। यह शीट नंबर वन है, यह शीट नंबर टू है। शीट नंबर वन की वजह से बी की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, करंट इसमें कैसे आ रहा है, बाहर, थम कैसे आएगा, बाहर, तो इसमें बी की डायरेक्शन कहां होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट। तो फर्स्ट जो शीट है वो बी कहां लगाएगी, बाहर, लेफ्ट, राइट, और जिसकी वैल्यू बोलो क्या होगी, म्यू नॉट जे डिवाइडेड बाय, राइट। अच्छा, नेक्स्ट वायर, इसमें करंट कहां जा रहा है, इनसाइड, तो कोई भी पॉइंट अगर ऊपर होगा तो फिंगर्स कैसे जाएंगी, राइट, इसकी वजह से लेफ्ट, पर अगर कोई भी पॉइंट ऊपर होगा तो इसकी वजह से वैल्यू क्या आएगी, इस तरफ। तो ये बी टू वैल्यू इसकी भी सेम है लेकिन डायरेक्शन इसकी राइट है, क्या है, पॉइंट क्लियर है। तो बोलो नेट बी यहां पर क्या आएगा, जीरो। ये वैसा ही नहीं क्वेश्चन जैसे दो चार्ज शीट्स हैं प्लस एंड माइनस कैपेसिटर से पहले और उसके लेफ्ट और राइट पे बी जीरो आता था, बिल्कुल वैसे ही तो है, इसके भी लेफ्ट और ऊपर नीचे भी जीरो। सिमिलरली अगर मुझे नेट बी यहां निकालना है तो इसकी वजह से करंट इसमें कैसे है, इनसाइड, तो बी कैसे बनेगा, मेरी तरफ, क्योंकि थंब ऐसे है, फिंगर देखो ना, फिंगर ऐसे घूमेंगी इसमें, ठीक, फिंगर ऐसे घूमेंगी तो टेंजेंट यहां ड्रॉ करेंगे, तो इसकी वजह से बी मेरी तरफ है, तो बी टू का फॉर्मूला तो वही आएगा म्यू नॉट जे बाय टू, लेकिन ऑब्वियस है करंट इसमें बाहर आ रहा है, करंट बाहर आने की वजह से फिंगर्स ऐसे घूमेंगी, तो बी वेक्टर कहाँ आएगा, इसकी वजह से इस तरफ आएगा, कितना, म्यू नॉट जे बाय, और नेट बी इसमें भी क्या जाएगा, जीरो, ठीक है। लेकिन अगर कोई पॉइंट यहां कहीं होगा तो इस पॉइंट पर ये जो करंट है वो बोर्ड के अंदर है, थम इनसाइड है, तो बी कैसे होगा, मेरी तरफ, टुवर्ड्स राइट,
स्टेट वाला सेम रूल है, तो थंब अगर ऐसे है तो बी कैसे होगा, मेरी तरफ, तो बी टू कहाँ होगा, इस तरफ, म्यू नॉट जे बाय टू। इसमें देखें करंट कहां पर है, बाहर की तरफ, ये रहा, तो फिंगर्स कैसे घूमेंगी इसमें, मेरी तरफ, मेरी तरफ, तो इसके अंदर भी जो बी वन होगा वो राइट की तरफ, म्यू नॉट जे बाय टू, और नेट वैल्यू क्या होगी, इन्हें आपस में क्या कर देना है, तो कोई भी शीट, दो शीट्स हो, तीन शीट्स हो, तो हर का कॉन्ट्रीब्यूशन वही राइट हैंड रूल से कर लोगे। मेन प्रॉब्लम इसमें वैल्यू की नहीं है, वैल्यू सबकी सेम है, मेन प्रॉब्लम सिर्फ डायरेक्शन है। वो रूल पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, अभी तक वही चल रहा है कि स्ट्रेट वायर की वजह से बी कैसे निकलेगा, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को नहीं क्लियर तो जाते हुए प्लीज पूछ ले, नहीं तो परेशान रहेगा वो, उसको समझ में नहीं आता होगा कि कैसे निकालते जा रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है, कितने लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है इसमें, समझ में आ रहा है ये जो करंट अगर अंदर बाहर है किस तरीके से फिंगर्स लेते हैं। ओके, तो शीट की एप्लीकेशन क्लियर। तो इसी के साथ आपकी एम्पियर सर्किट लॉ की 5 एप्लीकेशंस पूरी होती हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दो तीन न्यूमेरिकल्स हैं, जो एक न्यूमेरिकल मैं अभी करके आपको दूंगा, या तीन न्यूमेरिकल्स हैं मैं आपको दूंगा, आप मुझे इसके आंसर्स बताना, बस यही इसकी इंपॉर्टेंस है। एनसीईआरटी के अंदर आपको एम्पियर सर्किट लॉ के न्यूमेरिकल मिलेंगे नहीं, मेरे एनसीईआरटी के अंदर आपने देखा होगा शीट ही नहीं एम्पियर सर्किट लॉ की, सब्जेक्टिव शीट ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिव के अंदर इसके क्वेश्चंस बहुत कम चांस मैंने देखे नहीं है। सब्जेक्टिव के अंदर बोर्ड के अंदर इन 5 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन पक्का आएगी, 100% आएगी। गॉस थ्योरम में से एक आएगी, इसमें से भी एक आएगी, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, थ्योरी ही आती है। कॉम्पिटिशन में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, वो कैसे आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, 4-5 टाइप के न्यूमेरिकल से ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो, कॉपी पे करना पड़ेगा। सपोज क्वेश्चन इज देयर इज अ सिलेंड्रिकल वायर, ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, इसका जो रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल वायर का रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक, इस सिलेंड्रिकल वायर में करंट जा रहा है आई 3 एम्पियर, पूरे क्रॉस सेक्शन में से जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे जा रहा है, मैं बना देता हूं, ये पूरे का पूरा क्रॉस सेक्शन है 5 सेंटीमीटर का, तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन में से करंट पास कर रहा है। ठीक, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, आपको क्या निकालना है, फाइंड बी की वैल्यू एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सिस। तो ये इसका एक्सिस है, इसके एक्सिस में से आप एक काम करोगे, इसमें एक्सिस में से 2 सेंटीमीटर दूर आपको बी निकालना है।
वैसे तो इसका फॉर्मूला हमने किया था, एक सॉलिड जो जिसके अंदर करंट जाता है उसके इनसाइड बी कैसे निकलता है, हमने ये सेकंड एप्लीकेशन लास्ट टाइम की थी, मेरी बुकलेट के अंदर डेरिवेशन ही तो है। तो आप इसमें स्मॉल आर की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं चाहता हूँ आप फॉर्मूले से ना करें, क्योंकि अगला क्वेश्चन चेंज करने वाला, उसमें कोई फॉर्मूला लगने वाला है नहीं। तो आप इस टेक्निक को सीखें, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वायर्स के, वो क्वेश्चन करने का तरीका ऐसा होगा कि आपको जहां भी बी निकालना है, बोलो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पे निकालना है, तो आप एक काम करो, इस 2 सेंटीमीटर पे एक क्लोज्ड पाथ बना दो, राइट। तो ये जो रेड कलर की लाइन है ये कितने सेंटीमीटर पे है, 2 सेंटीमीटर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो वायर के अंदर कभी भी क्वेश्चन करना है, जहां पर आपको कहा जाए 2 सेंटीमीटर पे बी निकालना है तो 2 सेंटीमीटर का क्लोज पाथ, 3 सेंटीमीटर पे बी निकालना है 3 सेंटीमीटर का क्लोज पाथ। तो जितने भी सेंटीमीटर पे बी निकालना है वहां पर आपने क्लोज पाथ ड्रॉ कर देना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर अगर रूल मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाऊं तो ऐसे होगा, करंट बोलो कैसे जा रहा है, ऊपर की नीचे, ऊपर। तो अगर वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे घूमेंगी इसमें, ऐसे, राइट। तो इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे घूमेंगी, यहां से ऐसे, यानी कि बोर्ड के अंदर जाएगी यहां पर, तो डीएल वेक्टर भी कहां होगा, इसके साथ होगा। तो वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप बी वेक्टर बाहर बनाओ या अंदर बनाओ, लेकिन कायदे से रूल वाइज बता रहा हूं कि अगर करंट ऊपर है तो बी वेक्टर जो है वो टेंजेंशियली इस तरीके से बनता जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? हालांकि वैल्यू हमने तो वैल्यू निकालनी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप नहीं भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, पर अगर करना पड़े तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। हाँ जी, ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें?
तो इसके अंदर जो सबसे पहले इसमें हमने क्या निकालना है, 2 सेंटीमीटर पे बी निकालना है, क्लोज्ड पाथ बना लिया। तो आपने अपना न्यूमेरिकल हमेशा किस पे करना है, क्लोज्ड पाथ पे, जहां पर आपको बी की वैल्यू निकालनी है वहां क्लोज पाथ, और वहां पर आपको क्या करना है, अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और कैसे, सबसे पहले क्लोज पाथ पे क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। तो क्या होगी, बी डीएल इंटू कॉस ऑफ कितना, 0, बी इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डीएल। क्लियर है? तो बी इंटू, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल में क्या आएगा, सरकमफ्रेंस कितना, 2π × 5 की 2π × 2। कितने लोग बोलते हैं 2π × 5 सेंटीमीटर, कितने बोलते हैं 2π × 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये न्यूमेरिकल किस पे चल रहे हैं, तो सरकमफ्रेंस भी किसका लिया जाएगा, क्लोज पाथ 2 सेंटीमीटर के हिसाब से चलेगा। तो 2π × 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 × 10 की पावर-, फर्स्ट स्टेप क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अच्छा, अगर क्लोज्ड पाथ के ऊपर ही, फिर से एक बार क्लोज पाथ के ऊपर मैं क्या लगाऊं, एम्पियर सर्किटल लॉ, तो बी डॉट डीएल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट आई पासिंग थ्रू दी क्लोज्ड पाथ। 3 एम्पियर का करंट कितने एरिया में से पास किया जा रहा है, पूरे इस एरिया में से, क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर के हिसाब से पास हो रहा है। पर हम किसमें इंटरेस्टेड है, हम इंटरेस्टेड है कि हमारा कितना करंट किस में से पास हो, सिर्फ इस रेड पोर्शन में, ये वाले पोर्शन में। क्लियर? तो इस रेड पोर्शन के अंदर क्लोज्ड पाथ में करंट निकाल लें, मान लो ये करंट कितने आए डैश। ये रूल समझ में आया, बिल्कुल गॉस थ्योरम की तरह। कैसे, गॉस थ्योरम क्या कहती है, क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, क्लोज पाथ के अंदर कितना करंट है, और कितना करंट है, 3 एम्पियर आए तो है नहीं, उससे तो कम ही होगा। और कैसे निकलेगा, देखो अगर एरिया π × 5 का स्क्वायर है पूरे का पूरा, तो बोलो इसमें कितना करंट पास हो रहा है, 3 एम्पियर, कोई डाउट इसमें? लेकिन अगर 1 है तो कितना करंट पास होगा, 3/5 × 5 का स्क्वायर, और हमारा जो एरिया है वो कितना है, π × 2 का स्क्वायर, तो 3/π × 5 का स्क्वायर × π × कितना, 2 का स्क्वायर, ये क्या आ गया, आई का डैश। तो आई डैश की वैल्यू आएगी 3 × 4/25। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है? तो आपने एरिया वाइज उस रेड पोर्शन में करंट निकाल दिया आई डैश। अब आप क्या करो, इसमें म्यू नॉट इंटू आई डैश पुट करो। क्लियर यहां तक? तो म्यू नॉट इंटू आई डैश, आई डैश की वैल्यू हमारे पास है, तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश की जगह 3 × 4/25 कितना, 25। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, आई नहीं लेना, क्लोज पाथ के अंदर कितना करंट है बस वो लेना है। तनवीर क्लियर है? शिवम, हाँ जी, समझ में आ रहा है यहां तक? योगेश क्लियर है? तो क्लोज पाथ के अंदर करंट निकल गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर लेना है हमने, इक्वेट। तो यहां से बी इंटू 2π × 2 × 10⁻²− 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 3 × 4/25 कितना, तो यहां से सॉल्व कर लेना और बी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे निकलेगा? हाँ, एंगल 0 रहता है इसमें, रीजन है उसका, क्यों, क्योंकि बी वेक्टर क्या है, एक लाइन है, क्लोज लाइन है, और डीएल भी उसी का पार्ट है, जहां पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है लेंथ भी उसी की लेनी है, तो बी भी वही, डीएल भी वही, तो एंगल तो 0 निकलना है हमेशा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि बी कैसे निकलेगा? अच्छा, ठीक है यहां तक? एक सेकंड रुको,
ओके, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ओके, मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, आप प्लीज एक बार ट्राई करके देखो। क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली सपोज आपके पास एक फिर से एक बार वायर है, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। देखो सपोज एक सिलेंड्रिकल वायर है ऑफ रेडियस ए, ये एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसका रेडियस ए और इसमें आई करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। मान लो इसके बाहर एक सिलेंड्रिकल शेल है, ये रहा, ठीक, सच दैट ये हॉलो है, बीच में हॉलो, ठीक, ऐसे है। तो ये एक वायर है ब्लू कलर की, इसके सराउंडिंग में एक खाली वायर है, लेकिन यहां पर ये देख लो ये वाला पोर्शन, यहां पर करंट है, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, ये रहा। और इस ब्लैक कलर के पोर्शन में करंट नीचे की तरफ जा रहा है आए, ब्लू वाली वायर में पूरे पोर्शन में ऊपर जा रहा है और ब्लैक वाली बाउंड्री में करंट नीचे जा रहा है, ठीक। ड्रॉ करो, इसके बीच में कोई करंट नहीं है, बीच में ये हॉलो है, खाली है, बीच वाली इसमें यहां पे, हाँ जीरो है, ये खाली है ना, करंट नहीं है इसमें। ओके, करें स्टार्ट क्वेश्चन, बन गया डायग्राम। इसका जो रेडियस है ये ए है, इसका इनर रेडियस बी है और इसका आउटर रेडियस सी है, ए बी एंड सी, हाँ जी, क्या पॉइंट क्लियर है? ओके, पहला क्वेश्चन सुनो ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपको बी, ध्यान से देखो इधर, आपको बी निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर वेयर आर इज लेस देन ए, ये पहला क्वेश्चन है। यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बी एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर वेयर स्मॉल आर इज लेस देन ए, ये पहला क्वेश्चन है, राइट। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बी कहां निकालना है, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बी यहां से कहीं, यहां कहीं निकालना है, एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस आर, क्योंकि लेस देन ए का मतलब अंदर वाली वायर के अंदर कोई पॉइंट है, मुझे वहां बी निकालना है। पॉइंट समझ में आया यहां तक कि मुझे कहां बी निकालना है? ब्लू कलर की जो वायर है उसके इनसाइड निकालने को कह रहे हैं। R is less than A का मतलब क्या है? R is less than A, अंदर कहीं पॉइंट है, ठीक। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया मंदीप? रूल नंबर वन, जहां भी निकालना है वहां क्या बनेगा? एक क्लोज्ड पाथ। तो ये लो एक क्लोज्ड पाथ सर्कल बना लेते हैं इसमें, ये रहा, इस सर्कल का रेडियस कितना है? R, राइट, ठीक है।
यहां बी भी बनेगा, डीएल भी बनेगा, बना नहीं रहा हूं, जिस मर्जी डायरेक्शन में ले लो, बी और डीएल में एंगल क्या बनेगा? जीरो। तो मेरा क्वेश्चन किस पे चलेगा? क्लोज्ड पाथ पे। हम क्लोज्ड पाथ पे क्या निकालते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ क्या? बी डॉट डीएल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी और डीएल में हमेशा एंगल क्या बनता है? जीरो। बी बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह क्या आएगा? टू पाई इंटू कितना? कितने लोग बोलते हैं स्मॉल आर, क्योंकि किसके ऊपर क्वेश्चन चल रहा है? क्लोज्ड पाथ, और क्लोज्ड पाथ का सर्कमफ्रेंस कितना है? बिल्कुल सही, टू पाई आर। क्या स्टेप क्लियर है? तो रेड कलर का क्लोज पाथ है, उसका सर्कमफ्रेंस कितना है? टू पाई इंटू स्मॉल आर, तो बी इंटू टू पाई आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ। ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूं एम्पियर सर्किटल लॉ, किस में? इन क्लोज्ड पाथ, क्लोज पाथ। इंटीग्रेशन ऑफ बोलो क्या आएगा? बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या? म्यू नॉट टाइम्स व्हाट? कितना करंट जो किस में से पास करेगा? क्लोज पाथ में से। तो क्लोज पाथ कौन से कलर का है? तो मेरे को करंट भी कितने पोर्शन का लेना है? सिर्फ लेट अस सपोज आई डैश, तो रेड कलर का करंट निकालने, आई डैश कितना होगा? तो यहां पर करंट क्या आएगा? आई डैश, राइट? क्लियर है यहां तक? आई डैश वैल्यू देखो कैसे निकलेगी। आई डैश के लिए सबसे पहली चीज मुझे यह बताओ कि इस ब्लू कलर की जो वायर है इसमें करंट है कितना आए, और कितने एरिया में? पाए ए। तो करंट कितना जा रहा है इसमें? ऊपर आए, तो पाए ए स्क्वायर के लिए करंट कितना है? आए। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? पाए इंटू ए स्क्वायर में करंट कितना है? आए। तो वन के लिए कितना है? आए डिवाइडेड बाय पाए ए स्क्वायर, राइट? और हमें कितने एरिया में चाहिए? क्लोज पाथ, और मेरे क्लोज पाथ का एरिया कितना है? पाए। तो आई डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर इन टू पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू आई डैश। तो इस आई डैश को यूज करेंगे और यहां पुट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर वन को टू से इक्वेट कर लेते हैं, तो बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय टू पाई इनटू ए का स्क्वायर। पॉइंट्स को समझ में आ रहा है यहां तक कि बी डॉट डीएल एक बार निकाला हमने इंटीग्रेशन से, और एक बार निकाला हमने एम्पियर सर्किटल लॉ से। मेन चीज एक ही है, और वो क्या है? करंट। और करंट हमेशा कैसे निकलेगा? एरिया वाइज। ठीक, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? ब्लैक वाली वायर कुछ नहीं कर सकती। ये रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो आउटर चार्ज शेल होता था वो अपने अंदर ई नहीं लगाता था। सिलिंड्रिकल वायर जो बाहर की तरफ है अपने अंदर बी नहीं लगा सकती। अभी देखना, आपको एंड ऑफ द रिजल्ट समझ में आएगा। ठीक, बिल्कुल वैसा रिजल्ट हम निकाल लेंगे एक शॉर्टकट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पहले ये बताओ। ठीक, और नेक्स्ट जो है बोलो। सपोज अब मुझे बी कहां निकालना है? ध्यान से देखो, मुझे बी की वैल्यू निकालनी है। बी निकालना है एट आर, एट डिस्टेंस आर ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन ए एंड लेस देन
बी, ठीक। मुझे अब मैं इस फिगर को चेंज कर रहा हूं, मेरा क्लोज्ड पाथ ये तो होगा नहीं, ठीक। तो ये डिस्टेंस ए था ऐसे, राइट। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि मुझे वैल्यू निकालनी है बी की, कहां पर, ए से दूर पॉइंट लेकिन बी से छोटा पॉइंट। तो कहीं यहां कहीं ले लूं, ये पॉइंट एक्सिस से ए से बड़ा है और बी से छोटा है, कोई डाउट इसमें? तो क्लोज्ड पाथ कहां लेंगे, यहीं पे लेंगे। ठीक है ना, जहां भी निकालना है। जहां पे बी निकालना है, क्लोज पाथ वहीं ले लिया। इस बार क्लोज पाथ का रेडियस क्या है, आर, आर ग्रेटर देन है, यही फर्क है। क्लोज पाथ ये रहा, क्लोज पाथ में क्या निकलेगा, बी डॉट, ये स्टेप सेम सेम, और यहां इंटीग्रेशन ऑफ डीएल में क्या होगा, 2 पाए आर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो यहां तक दिस विल रिमेन सेम। यहां पर आए, यहां पर हमें करंट कौन सा लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। सारा चेंज जो आएगा वो यहीं आएगा। बोलो, मेरा जो क्लोज्ड पाथ है, इसके इस रेड कलर का क्लोज पाथ के अंदर कितना करंट है, बताओ। यहां पर करंट है इस जगह पे, नहीं। कितना करंट है, ये ब्लू पोलरेशन में ही है, कितना आए। तो यहां पर सिंपली क्या आ जाएगा, दैट्स इट, बस, ठीक। टोटल करंट आए जा रहा है इसमें, इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो बी इंटू 2 पाई आर इज म्यू नॉट टाइम्स आई, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। और अभी भी नोट करने वाला पॉइंट ये है कि आउटर ब्लैक कलर वाली वायर अभी भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, नहीं कर रही। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जो आउटर वायर्स हैं, आउटर सिलेंड्रिकल शेल्स हैं, सॉलिड नहीं, शेल, वो अपने अंदर भी नहीं लगाते, देखो उसे कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं किया यहां पे। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा उसमें। मेन प्रॉब्लम सिर्फ करंट है इसमें, बस करंट कितना लेना है, बाकी सब सही है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? बस एक लास्ट पार्ट और है और वो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ इसको क्लोज करेंगे वायर के क्वेश्चंस को। है 5 मिनट का है। देखो, तो इसके अंदर लास्ट केस है, बी की वैल्यू फिर से निकालनी है, करें स्टार्ट। बी की वैल्यू इस बार निकालनी है व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन बी एंड लेस देन सी। ये लो, मैं 1 मिनट के लिए फिगर को फिर से डिलीट कर रहा हूं, ये मिटा रहा हूं, ये लो। देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ये बी है और ये सी है, तो मुझे जो क्लोज्ड पाथ लेना है इस बार कहां लेना है, बी से आगे सी से कम। तो आपको लगता नहीं कि ब्लैक पोर्शन में पॉइंट आएगा, यही आएगा। तो क्लोज्ड पाथ को इस बार यहीं ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर ये मैंने ड्रॉ कर दिया इसका क्लोज्ड पाथ, कोई डाउट इसमें? क्लोज पाथ का रेडियस कितना है, आर। हाँ जी, ठीक है, यहां तक क्लोज पाथ का रेडियस आर। और इसके अंदर फिर से एक बार क्लोज्ड पाथ के लिए सेम स्टेप, बी डॉट डीएल निकला। मैंने कहा मुझे बी कहां निकालना है, मुझे बी की वैल्यू निकालनी है एट अ पॉइंट ग्रेटर देन बी लेस देन सी। तो ये तो इसी पोर्शन में आके रुका ना, तो मैंने क्लोज पाथ रेड कलर का इस ब्लैक कलर की बाउंड्री में ले लिया, तो इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है, तो यहां तक तो ये स्टेप सेम है, राइट। अब इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये ध्यान से देखना है, ये ध्यान से देखना है कैसे, बी डॉट डीएल म्यू नॉट टाइम्स। अब करंट पुट करना है मुझे, करंट ही तो मेन है इसमें, देखो जरा, देखो यहां तक कोई डाउट, ठीक है, ठीक। बोलो क्लोज पाथ में करंट ले कौन सा, कितने लोग एग्री करते हैं कि ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं अंदर वाला करंट, ये वाला, सिर्फ ये वाला क्लोज पाथ के इनसाइड ये वाला करंट है,
ये वाला इनसाइड वाला, ये वाला नहीं, बाहर वाला नहीं, सिर्फ अंदर वाला, ये करंट भी होगा और साथ में आई भी होगा। सही है, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्लोज पाथ के अंदर करंट। देखो क्लोज पाथ के यहां पर अगर पॉइंट होगा तो ये वाला करंट तो नहीं होगा, जो बाहर चला गया इस रेड कलर की बाउंड्री के, रेड कलर की बाउंड्री के अंदर कौन सा करंट है? एक तो ये शेडेड, प्लस इसके अंदर ये भी तो आता है करंट जो ब्लू कलर का जा रहा था, तो दोनों करंट आएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मान लेते हैं कि इस शेडेड के अंदर, इस रेड कलर के अंदर कितना करंट जा रहा है? आई डैश, पूरा तो आई जा रहा था पर हमें तो रेड कलर का लेना है तो रेड कलर में तो कम ही जा रहा होगा, कितना जा रहा है? आई डैश। ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यहां पर म्यू नॉट इनटू, बोलो क्या आएगा? आए भी आएगा और साथ में आए डैश भी आएगा, क्योंकि क्लोज पाथ के अंदर आई करंट भी है ब्लू वाला और आई डैश भी है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, आई कहां पे जा रहा है? ऊपर, आई डैश कहां पे आ रहा है? नीचे। तो साइन क्या आएगा? जो ऊपर करंट जाएगा वो प्लस और जो नीचे आएगा वो माइनस। पॉइंट क्लियर है? और लास्ट स्टेप आई डैश निकालने, देखो आई डैश निकालने के लिए ये जो ब्लैक कलर की बाउंड्री है, सिर्फ ब्लैक वाली, इसका एरिया बोलो कितना है? पाई इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मानते हो ब्लैक कलर का जो एरिया है वो इतना, इसमें कितना करंट जा रहा था नीचे की तरफ? आई। वन में कितना जा रहा है? आई डिवाइडेड बाई पाई इंटू सी स्क्वायर माइनस, ठीक, और हमें कितने पोर्शन में निकालना है? पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है? हमें इस रेड कलर का एरिया क्या होगा? आउटर रेडियस इसका कितना है? आर, और इनर कितना है इसका? बी। तो पाए आर स्क्वायर माइनस पाए बी स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसमें कितना करंट आएगा? आए डिवाइडेड बाय पाए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू पाए आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या आएगा? आए का डैश। इस आए डैश को उठा के यहां पुट कर देना है, आई माइनस आई डैश की जगह, ये पूरे का पूरा करंट जो आएगा वो यहां पे आएगा। इक्वेशन नंबर टू, वन एंड टू को इक्वेट करना है तो सीधी किसकी वैल्यू आएगी? बी की। उसके बाद तो इजी काम है। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? बोलो आई डैश है, यार वो करंट डिफरेंट नहीं आया? और आई डैश वो पूरा लिया नहीं ना हमने, हमने तो अंदर का पोर्शन लिया। कह रहा है कि आई नीचे जा रहा है, आई ऊपर आ रहा है, उनकी डायरेक्शन अलग होगी। ये जो एम्पियर सर्किट लॉ कैलकुलेट करके देगा ना, अभी वो नेट भी करके देगा, इसमें हमें वेक्टर रूल लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नेट आएगा। मुझे क्वेश्चन फिर से पूछो। हाँ वो ऊपर जा रहा है, बिल्कुल ठीक बोला, यहां पर लिया। वो तो यहां जीरो होगा। देखो अगर सपोज करो मैं कोई पॉइंट इधर, देखो अगर सपोज करो मैं कोई पॉइंट बिल्कुल वायर के बाहर लेता हूं, और तो फिर एम्पियर सर्किट लॉ में क्लोज पाथ बिल्कुल बाहर बनाऊंगा, तो फिर टोटल करंट उसके अंदर कितना आएगा? क्लोज पाथ के आए माइनस आए, फिर आंसर जीरो होगा। मतलब पूरी वायर के बाहर अगर पॉइंट होगा तो कैंसिल होगा, पर यहां पर तो मैंने आए लिया नहीं ना, यहां तो आए डैश लिया है, तो कैंसिल कैसे होगा? एक बड़ा है और एक छोटा है, ये कैंसिल नहीं होगा। नहीं लग रही ना, ब्लैक कलर का तो ब्लैक कलर में जा रहा है, ये वाला ब्लू में जा रहा है, बीच में जगह नहीं है, निकल रहा है, आई नीचे जा रहा है। कैंसिल हर जगह थोड़ी ना होता है, बाहर कैंसिल होगा, अंदर थोड़ी ना कैंसिल हो रहा है, अंदर तो वैल्यूज आ ही रही है ना, क्योंकि क्लोज पाथ के अंदर कितना करंट है बस वही लिया जा रहा है। नहीं बाउंड्री नहीं है सर ये, नहीं यार, अरे नहीं गुरु, ये यहां था वो तो वैसे ही इंटरसेक्ट कर गया। ओके क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगली बार आपकी पांच एप्लीकेशंस का टेस्ट है, ठीक, तो एक बार तैयारी कर